हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के चैनल गेमिंग रेजी टिक्स में। आज की इस वीडियो में मैंने बताऊंगा कैसे आप रूस ऐप में टू प्लेयर का कॉल ब्रेक खेल सकते हो, उसका विनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते। तो यहाँ पे मैंने एक 6 रुपीज़ NTP का कॉल ब्रेक में एंटर करूँगा और उसमें खेल के भी दिखाऊँगा और आपको विनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा। तो चलिए पहले आपको बताता हूँ कॉल ब्रेक यहाँ पे कैसे खेलते हैं। टू प्लेयर का यहाँ पे जो कॉल ब्रेक होता है उसमें 2 राउंड होता है और हर राउंड में आपको 13 कार्ड और आपका ओपोनेंट जो है उसको भी 13 कार्ड मिल जाता है। तो उसके बाद आपका 13 कार्ड आपके सामने आ जाता है, तो उस 13 कार्ड को देख के आपको यहाँ पे बीट देना पड़ता है। तो आप अगर आपका ओपोनेंट कितना बीट दिया है देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अगर उसने यहाँ पे बीट देने के बाद कन्फर्म ऑप्शन के ऊपर टैप किया है तो आप देख सकते हो। अगर उसने टैप नहीं करते तो यहाँ पे गेम स्टार्ट होने के बाद आप तो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उससे पहले देख नहीं सकते। और अगर आपने बीट देने के बाद आपने कन्फर्म कर दिया तो आपकी गेम स्टार्ट होने के पहले वो आपका बीट देख सकते हैं। इसलिए कभी भी कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर टैप मत करो, सिर्फ आपका बीट अमाउंट जितना है उतना दे दो, कन्फर्म मत करो। तो अभी चलते हैं यहाँ पे बीट देने के बारे में, आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो नॉर्मल कॉल ब्रेक में क्या होता है, जो 4 प्लेयर का कॉल ब्रेक होता है या 5 प्लेयर का कॉल ब्रेक होता है उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादातर KA और ट्रम्प कार में आपका बीट कम्प्लीट होता है। लेकिन जो 7, 8, 6 जो 2, 3 ऐसे कार में ज़्यादातर आपका बीट कम्प्लीट नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कार में भी बीट कंप्लीट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेयर ही खेल रहा है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो उसने 4 दे दिया तो यहाँ पे मैंने 8 में भी मेरा बीट कंप्लीट कर लिया। लेकिन 4 प्लेयर कॉल ब्रेक में 8 में बीट ज़्यादातर कंप्लीट नहीं होता है। तो यही है 4 प्लेयर कॉल ब्रेक और 2 प्लेयर कॉल ब्रेक का फर्क। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आपको कितना मिनिमम बीट लगाना है और कितना मैक्सिमम बीट लगाना है। तो यहाँ पे हर राउंड में आपको 13 कार्ड और आपका ओपोनेंट को 13 कार्ड मिलता है। तो इसलिए हर राउंड में आपका और आपका ओपोनेंट का जो बीट वो मिलके मैक्सिमम 13 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से भी आप बीट दे सकते हो, लेकिन हमेशा आप जितना बीट देते हो उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, उससे कम भी हो जाता है। और आपका ओपोनेंट भी जितना बीट देता है उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं कभी कभी कभी, और कभी कभी उससे कम बीट ही आ जाता है और वो माइनस भी खा जाता है। तो इसलिए आप हमेशा आपके ओपोनेंट का बीट को देख के बीट नहीं लगा सकते हो। हाँ, लगा सकते हो, पहले आप देख लो आपका कितना बीट आ सकता है। और अगर आपने देख लिया कि आपका 6 बीट आ रहा है और अगर यहाँ पे 7 बीट आपने दे दिया तो आप इस राउंड में या टोटल गेम में जीत सकते हो। तो 1 बीट आप ज़्यादा दे ही सकते हो, लेकिन 2 बीट ज़्यादा मत दो क्योंकि उससे आपका माइनस हो गया तो आप जीत नहीं सकते हो। उसके अलावा भी यहाँ पे अगर आपका जो ओपोनेंट है वो बीट देने के बाद कंफर्म नहीं किया तो आप उसका बीट गेम स्टार्ट होने से पहले देख ही नहीं सकते हो। तो इसलिए आप ओपोनेंट का बीट को देखने की कोशिश करो, लेकिन अगर उसने बीट नहीं दिया मतलब कंफर्म नहीं किया तो आप जितना बीट ले सकते हो उसके हिसाब से बीट दे दो। तो यहाँ पे आप कितना बीट दोगी, तो पहले अगर आपके पास KA है तो 2 कार्ड के लिए आप 2 बीट दे ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपके पास अगर जो ट्राम कार्ड है उसका जो बड़े बड़े कार्ड है मतलब JQK ऐसे टाइप का कोई कार्ड है तो उसके लिए आप जरूर 1-2 बीट दो। और अगर किसी कार्ड का बहुत छोटा छोटा कार्ड है तो उसके लिए आपको बीट नहीं देना है क्योंकि छोटा छोटा कार्ड में यहाँ पे आ सकता है, सही नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए अगर 10 के बाद कोई कार्ड है 9, 10, J ऐसे टाइप का कोई कार्ड है तो आप उसके लिए 1 बीट दे ही सकते हो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपका जो ओपोनेंट है वो भी रिस्क लेता है क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 प्लेयर खेल रहा है और टोटल 26 कार्ड से खेला जा रहा है। लेकिन एक कार्ड की बंडल में टोटल 52 कार्ड रहता है और जिसमें से 26 कार्ड यहाँ पे रैंडमली पिक किया जाता है और उससे खेला जाता है। और इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता नहीं है आपका जो ओपोनेंट है उसके पास कौन सी कार्ड है और कैसा कार्ड है, अच्छा कार्ड है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले गेम मैंने जीत नहीं पाया, पहले गेम दोनों का पॉइंट जो सेकेंड राउंड खत्म हुआ था उसके बाद दोनों का पॉइंट सेम हो गया था इसलिए पहले गेम यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड गेम आपको खेल के दिखाता हूँ और सेकेंड गेम में कोशिश करूँगा जीतने की, उससे ज़्यादा पॉइंट करने की। तो अगर गेम की शुरुआत में आपको पहले कार्ड छोड़ना पड़ जाए तो 4 टाइप का कार्ड में से जिस टाइप का कार्ड में सिर्फ छोटे छोटे कार्ड आपके पास है, कोई भी बड़ा कार्ड नहीं है, तो उस टाइप का कार्ड को आपको पहले छोड़ना है। उसके अलावा अगर किसी भी टाइप का बड़े बड़े 3-4 कार्ड है जैसे QKA तो आप उस टाइप का कार्ड को भी पहले छोड़ सकते हो। अगर किसी भी टाइप का सिर्फ K आपके पास है लेकिन A नहीं है तो पहले K को मत छोड़ो, पहले उसको A को छोड़ने दो, उसके बाद आप K को छोड़ो। नहीं तो अगर आपने पहले K छोड़ दिया तो आपका K को
उसने ए दे के ले लेगी, आपका बिट कम्प्लीट नहीं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया, क्यों लगा दिया, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा हाई वैल्यू का कार्ड था और यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्राम की कार है और यहाँ पे मेरे पास ट्राम की ए है जो बहुत हाई वैल्यू कार है, सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होता है कॉल ब्रेक में, ट्राम का ए सबसे हाई वैल्यू होता है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने ट्राम का कार में बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे हासिल करूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्राम है और इसलिए मैंने सोचा कि उसके पास शायद ट्राम की कार बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा बीट दे दिया। तो आपको भी ऐसे ही थोड़ा बहुत सोच के यहाँ पे बीट लगाना है, अगर आप थोड़ा बहुत सोच के बीट लगाओगी ना और आपका अपोनेंट अगर एक बार माइनस खा गया ना तो वो इस गेम को फिर से जीत नहीं सकता। 6 बीट वो ले लिया और इस बीट को तो मुझे लेना ही है और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस बीट को ले लिया और उसने 6 दिया था 6 लिया और मैंने 7 दिया था 7 ले लिया। यहाँ पे देख सकते हो कितना अंडरस्टैंडिंग हो गया, मतलब किसी का माइनस नहीं है, जितना जो जितना बीट दिया उतना ही बीट ले लिया सक्सेसफुली। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, इसी टाइम में थोड़ा बहुत ओपोनेंट को देखना है, पहले आपको देख लेना है आप कितना बीट दे सकते हो और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ओपोनेंट ने 7 दे दिया और यहाँ पे मैंने 6 कंफर्म कर दिया, उसने दिखाया था उसने 7 दिया तो यहाँ पे मैंने क्यूज 6 दिया क्योंकि यहाँ पे 6 से ज़्यादा तो एक बात नहीं आएगी, यहाँ पे 5 भी आ सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे 6 क्यों दिया क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 5 भी दे दिया तो यहाँ पे गेम को मैंने जीत नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट से उसने पीछे है, अगर इस राउंड में वो 2 पॉइंट आगे चले जाएगी तो उसका पॉइंट ओवरऑल मेरे से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं 6 से कम बिट नहीं दे सकता हूँ तो मुझे 6 बिट यहाँ पे देना ही है। तो देखते क्या इस राउंड में मैं 6 बिट कंप्लीट कर पाता हूँ, अगर कंप्लीट कर लिया तो इस गेम को मैं जीत जाऊँगा क्योंकि 2 राउंड के बाद जिसका पॉइंट हाइस्ट होता है वही गेम जीत लेता है। तो पहले मैंने जो गेम दिखाया था उसमें जीत नहीं पाया था क्योंकि उसमें मेरा पॉइंट हाइस्ट नहीं था, दोनों का पॉइंट सेम हो गया था तो इसलिए वो गेम टाई हो गया था और इसलिए जो टोटल प्राइस था वो 2 प्लेयर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो देखते इस राउंड में मैं 6 कर पाता हूँ कि नहीं और यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मैंने 4 बीट कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे 5 को छोड़ देते और यहाँ पे उसने ट्राम की 6 दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास अभी क्यू और के है और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे उसका अगर ए उसके पास है तो निकाल दे और यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे उसके पास ए था और उसने निकाल दिया तो अभी मैंने यहाँ पे 9 को खेल दूँगा और यहाँ पे लास्ट में मेरे पास के है और अभी ए तो निकल गया मतलब के से आ जाएगी और यहाँ पे आ गया मतलब इस गेम को मैंने जीत लिया। तो ऐसे ही अगर अपने थोड़ा बहुत दिमाग लगा के खेलोगी आप भी जीत सकते हो। तो यहाँ पे 2 राउंड के बाद मेरा पॉइंट हाइस्ट हो गया और इसलिए मैंने इस गेम को जीत लिया। तो मैंने जैसे बताया अगर अपने ऐसे ट्रिक्स को यूज करके खेलोगी और थोड़ा बहुत अच्छा कार्ड आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पे गेम जरूर जीत सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर अपने थोड़ा बहुत कॉलबैक के बारे में जानते हो तो आप यहाँ पे आराम से गेम खेल सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो कॉलबैक के बारे में, तो कॉलबैक कैसे खेलते हैं उसका जो वीडियो का लिंक मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पहले देख लो उसके बाद आप कॉलबैक यहाँ पे खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि अगली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।